as idea that had helped mankind ka paragraph number 8 se yani para number 8 se shuru kar raha hu abhi 8va dekhte hain kya Bertrand Russell क्या कहते हैं करें ऑल दीज डिफरेंट इलेमेंट्स मस्ट बी बॉर्न इन माइंड इन कंसिडरिंग व्हाट आइडियाज हैव डन मस्ट टू हेल्प मैनकाइंड जिन विचारों ने मानव को मदद किया जिन विचारों ने मानव को अधिक मदद किया इस पर विचार करते समय हमें विभिन्न तत्वों पर ध्यान रखना होगा चाहे ध्यान रखना चाहिए द आइडिया With which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. जिन विचारों से गहरे संबंध है उन्हें विस्तृत दो भागों में दो वर्गों में बांटा जा सकता है Those that contribute to knowledge and technique जो हमारे ज्ञान और तकनीक में एंड those that are concerned with moral and politics और जिनका संबंध चरित्र और राजनीति से चरित्र और राजनीति से I will treat first those that had to do with knowledge and technique. मैं सबसे पहले उन विचारों को लूंगा जिनका संबंध ज्ञान और तकनीक से जिनका संबंध ज्ञान और तकनीक से तो यह था पारा नंबर 8 अब आइए पारा नंबर 9 यहां से पैराग्राफ 9 द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री इतिहास के अभ्युदय के पूर्व महत्वपूर्ण एवं कठिन कदम उठाए गए एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन जिस अवस्था में भाषा की शुरुआत हुई वह अनजान है यह पता नहीं है बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट लेकिन मैं एकदम इस पर निश्चित हूं इट बिगेन्स वेरी ग्रेजुअली कि यह बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ होगा विदाउट इट इसके बगैर इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट वर ग्रेजुअली मेड इसके बगैर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आविष्कार एवं खोजों को जो धीरे धीरे हो रहे थे पहुंचाना कठिन था आइए पैराग्राफ नंबर 10 अब यहां से पैराग्राफ नंबर 10 की Another step
दूसरी कदम विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। कह रहा है दूसरी बड़ी कदम जो या तो भाषा की शुरुआत में या उसके मतलब भाषा के पूर्व में या उसके बाद में उठाया गया आग का प्रयोग यानी आप आग का उपयोग। दूसरा कदम यह था जो भाषा के या तो शुरू में या उसके बाद उठाया गया वो था आग का उपयोग। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept। मैं सोचता हूं कि सर्वप्रथम आग का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता होगा जब हमारे पूर्वज सोते होंगे तो उन्हें रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। यानी जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। लेकिन गर्माहट बहुत आराम लगा होगा नहीं आग जलाई गई होगी कि जंगली जानवर भाग जाए लेकिन ठंड के मौसम में वह आग हमारे पूर्वजों को गर्मी दी होगी। जब गर्मी दी होगी तो दूसरा काम शुरू हो गया यानी आग का दूसरा प्रयोग शरीर को गर्म करने के लिए भी किया गया होगा। प्रिजम्बली संभवतः On some occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire. संभवतः किसी प्रयोजन पर किसी अवसर पर एक बच्चे को डांटा गया होगा डांटा फटकारा गया होगा जब उसने मांस के टुकड़े को आग में फेंक दिया होगा। But when it was taken out, it was found to be much better. लेकिन जब उसे बाहर किया गया होगा यानी मांस के टुकड़े को जब आग से बाहर की गई होगी तो वह पहले से ज्यादा अच्छा लगा होगा। And show the long history of cookery began. और इस तरह से पकाने का काम शुरू हुआ होगा। क्लियर पारा नंबर 11। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जानवरों को पालतू बनाना एस्पेशियली द काऊ एंड शीप खास करके गायों और भेड़ों को मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। अधिक सुखद और सुरक्षित बनाया यानी इनका जीवन को ये क्या कर दिया अधिक सुरक्षित बना दिया सुखद बना दिया जब ये लोग पालना शुरू किए गायों को और भेड़ों को। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फॉरसीन But the people attempt to tame whatever animals their religion taught them to worship. कुछ मानविकी के जानकारों का बहुत ही आकर्षक सिद्धांत है कि पालतू जानवरों के लाभ का कोई पूर्व अनुमान नहीं था। यानी पालतू जानवर तो बनाए लेकिन उससे कुछ लाभ होगा ये पहले पता नहीं था।
सिद्धांत है कि पालतू जानवरों में लाभ का कोई पूर्व अनुमान नहीं था, बल्कि लोगों ने उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया जिन्हें उनका धर्म उसे पूजने को कहता था। यानी उनके धर्म में जिस जानवर को पूजने को बताया जाता था, पूजा करने को बताया जाता था, उसी को वे लोग पालतू बनाए। The tribes that worship lions and crocodiles died out. वह प्रजातियां जिन्होंने क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों की पूजा की या शेरों की पूजा की, वे खत्म हो गए। While those to whom the cow or the sheep was sacred animals prospered. लेकिन जो प्रजातियां गायों की या शिपों की पूजा की, वे आज भी हैं। जाहिर सी बात है कि आप क्रोकोडाइल या लायंस की पूजा करेंगे, माला पहनाने जाएंगे तो छोड़ेगा, खा जाएगा आपको, तो खत्म तो होना ही है प्रजाति। आई फील अ लिबर्टी टू प्रे विद इट। सॉरी, आई लाइक दिस थ्योरी, मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूं। एंड द इंटायर अब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट, और इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है I feel a liberty to play with it. करा कि मैं स्वयं ऐसा महसूस करता हूं, तो ये था पारा नंबर 11। आइए पारा नंबर 12 क्या कहता है। Even more important than The domestication of animals was the invention of agriculture, which however introduced bloodthirsty practice into religion that lasted for many centuries. क्या बात है? कह रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था कृषि की शुरुआत, जिसने रक्त पितांशु प्रथा को धार्मिक बना दिया जो सदियों तक चलता रहा। कृषि की खोज हो गई होती तो जो बच्चों की बलि दी जाती थी वह नहीं दी जाती। आइए देखते हैं। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैनिबलिज्म। मोलोच वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। यानी उर्वरता तब तक नहीं आती, यानी खेतों में धान गेहूं अन्न तब तक नहीं आते, यानी वह मोलोच देवता जो था वह इनको तब तक बढ़ने नहीं देता था जब तक उसे बच्चों की बलि नहीं दे दी जाती थी। यानी ऐसा उन लोगों का मानना था कि यदि वह बच्चों की बलि नहीं देंगे तो वह धान गेहूं यानी जो अन्न होता है उसे उपजने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। अ सिमिलर ओपिनियन वाज एडॉप्टेड बाय द इवेंजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर इन द Early days of Industrialism। कुछ इसी तरह का विचार इतिहासकार
इवेंजेलिकस ने भी उद्योगीकरण के शुरुआत में दिया। When they kept 6 year old children working 12 to 14 hours a day, जब 6 वर्ष के बच्चे से वे लोग 12 से 14 घंटा काम करवाते थे, इन कंडीशन दैट कॉज मस्ट ऑफ देम टू डाई, इसका कारण यह होता था कि उनमें से अधिकांश बच्चे मर जाते थे। अब 6 वर्ष के बच्चे को आप 12 से 14 घंटा काम कराएंगे तो बच्चा जिंदा रहेगा? तो क्या है, एक तरह से वह भी रक्तपितांशु प्रथा ही है। It has been discovered that grain will grow। अब यह जान लिया गया है कि फसलें उगाई जा सकती है एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर, और कपास के सामान बनाए जा सकते हैं विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट, बगैर बच्चों के रक्त दिए, यानी बगैर बच्चों के बलि दिए ये सब किए जा सकते हैं, ये अब जान लिया गया है। इन द केस ऑफ ग्रेन, अन्न के मामले में द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, खोज ने हजारों वर्ष ले लिए। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी, जबकि कपास के मामले में मुश्किल से एक सदी लगे। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, या विश्व में विकास के प्रमाण हैं। तो ये रहा आपका। अब लास्ट पैराग्राफ है 13 इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग। प्रागैतिक इतिहास का अंतिम आविष्कार है लिखने की कला, विच वॉज इंडेड अ प्रीरिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो वास्तव में इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, राइटिंग लाइक स्पीच, लिखना भाषण के तरह, डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकसित हुआ एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर डिजाइन to convey a message, it was probably as old as a speech। तस्वीरों के द्वारा संवाद प्रेषक उतनी ही पुरानी कला है जितना बोलने की कला है। But from picture to syllable, लेकिन तस्वीरों से शब्दों तक, राइटिंग एंड थैंक्स टू द अल्फाबेट वाज वेरी स्लो इवोल्यूशन, और तब वर्णमाला बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ, और उसके बाद वर्णमाला
जो बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ. इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन. चाइना ने आखिरी कदम अभी तक नहीं उठाए थे. तो ये था आपका चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड. थैंक यू. बाय.